आज हम एयर फ्राई में टेस्टी और क्रिस्पी साबूदाना वड़ा बनाएंगे जो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। क्विक एंड सर्व चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ 1 कप साबूदाना को 2-3 बार धोएंगे ताकि जो इसमें पाउडर है वो इसका निकल जाए, और इसे पानी में भिगोकर 7-8 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए कितने फूल चुके हैं। अब इसे स्ट्रेनर में छान लेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पानी है वो भी निकल जाए। अब इसे बोल में शिफ्ट करेंगे। अब इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 हरी मिर्च बारीक काट के डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच अनारदाना पाउडर, अनारदाना पाउडर से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, 1 इंच अदरक कद्दूकस करके डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, यहाँ हम सेंधा नमक यूज कर रहे हैं, और 2 उबले हुए आलू को मैश करके डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/4 कप मूंगफली को ग्राइंड करके डालेंगे जिससे इसमें जितना भी इसका पानी है वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हाथों में घी या ऑयल लेकर थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर हथेली की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए वड़े की शेप दे देंगे। ऐसे ही सभी को तैयार कर लेंगे। अब इसे हम एयर फ्राई में बना रहे हैं तो एयर फ्राई को 200 डिग्री टेम्परेचर पर 5 मिनट के लिए प्री हीट होने रख देंगे। जब ये प्री हीट हो जाए तो एयर फ्राई ट्रे को ब्रशिंग करेंगे ऑयल से और अपने वड़ों को इसमें रख देंगे। ऊपर से भी ब्रशिंग करेंगे ऑयल की और 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे। जब 10 मिनट हो जाए तो इसे टर्न कर देंगे और दूसरी साइड भी 10 मिनट के लिए रख देंगे। लीजिए, हमारे टेस्टी और क्रिस्पी साबूदाना वड़ा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।